मैडम पैसे दे मैडम मैडम चल लिया मैडम भैया रोक क्यों? अरे क्या हुआ? भैया क्या बात होगी? भैया मैडम पैसे नहीं दे रही, सामान ले लिया। आप आओ मेरे साथ अंदर। आ जाओ। मैडम दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो कंफर्ट बैठी हूँ। मैडम आप ही तो कंफर्ट हो, लेकिन आपकी वजह से और कोई तो कंफर्ट ना है, इसके पैसे क्यों नहीं दे देते? ओए कौन से पैसे? मैम जो आपने अभी सामान लिया उसके पैसे। तेरे को मैंने 500 का नोट नहीं दिया था, बल्कि तेरे ऊपर निकल रहे मेरे पैसे, वापस दे मेरे पैसे। मैम क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी आपने पैसे दिए ही कहाँ है? फटीचर गरीब दो कौड़ी के इंसान, तू बताएगा मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे को शर्म नहीं आती मैं झूठ बोल रही हूँ? मैडम एक मिनट, चिल्लाने से गुस्से से कोई फायदा नहीं है, इसके पैसे क्यों नहीं दे देते? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब बस चल रही थी तो आपने इसे पैसे नहीं दिए थे सामान लेके, उस वजह से ये बस के पीछे भाग रहा था। अरे बस के पीछे भाग रहा था, अगर गलती से बस के टायर के नीचे आ जाता कौन जिम्मेदार होता उसका? इसकी भी अपनी फैमिली है, ये क्या ही कमा लेता होगा ये बेक के? भैया क्या ही कमा लेते हो आप दिन में? भैया पूरे दिन में 3-4 लड़ी बेक पाता हूँ और 60-70 रुपए मिलते हैं बस। 60-70 रुपए के चक्कर में इसकी जान जा सकती थी, इसके परिवार का क्या होता फिर बताइए? कौन है भाई तुम्हारे परिवार में? भैया माँ बाप तो रहे नहीं, बस घर में छोटी बहन है, उसी को पढ़ाने के लिए लड़ी बेकनी पड़ रही है मुझे, बस के लिए। बस भाई रोने की जरूरत ना है। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, ये चंद पैसे के चक्कर में क्या हरकत कर रहे हो आप? अरे बन ठन के बस में बैठ जाते हैं, इनकी औकात तो होती नहीं है, चिप्स वाले के पैसे नहीं दे रहे, उतार इसे यहाँ से। सॉरी भैया मैंने आपके पैसे नहीं दिए, ये लो। अरे मैडम आप रखो अपने पैसे अपने पास, अगर आप पैसे देने वाले होते ना तभी दे देते। भैया रुको मैं देता हूँ आपको पैसे। भैया ये रखो मेरी तरफ से, सोचूंगा एक दिन किसी भूखे को खाना खिला दिया मैंने। भैया ये तो बहुत ज्यादा है। भैया आपकी मजबूरी के सामने कुछ भी ज्यादा नहीं है, रखो आप। और मैडम अगर मन में ना हो ना तो किराए के पैसे ही मत देना, हो सकता है उन पैसों से ही तुम्हारा घर चल जाए। चलो भैया। उसका साथ जरूर दें जिसका वक्त खराब है, उसका साथ छोड़ दें जिसकी नीयत खराब है।